हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सी उलीबारा 247। मेरे को लगता है कि ये वीडियो जहाँ पे आप लोग अभी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि द एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर। चाहे बोर्ड्स के एग्जाम की मैं बात करूँ, चाहे सी यू टी की बात करूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान टू अंडरस्टैंड कि यार स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, करंट सिनारियो के हिसाब से आपको कैसे दोनों एग्जाम्स को अच्छा करके चलना है, और जो बच्चे केवल ड्रॉप ले रहे हैं कि उनको केवल सी यू टी को कैसे अच्छा करना है, क्या फोकस रखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई वॉज गोइंग थ्रू दिस लेटेस्ट आर्टिकल, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली एक बार इस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल रहा होगा, आपकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आ रही होगी। तो अगले 5 मिनट में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे प्लान्स और कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आई होप सेशन को सभी लोगों ने यहाँ पे लाइक और शेयर कर दिया होगा। देखो, सी यू डी 2024 और क्लास 12th दोनों ही एग्जाम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों एग्जाम में एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ है कुछ कॉमन टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि सी यू टी का सिलेबस और क्लास 12th का सिलेबस काफ़ी हद तक आपका जो है वो सेम रहता है, राइट? मतलब देर इज अ सिमिलैरिटी, कुछ ही टॉपिक्स है जो आपके एक्स्ट्रा हैं, बट देर आर थिंग्स जो आप लोग साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम भी हैं तो उन्हीं कॉमन टॉपिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सी यू टी का वो वाला सेक्शन कवर अप हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्दो एक कम्प्लीटली आपका न्यू एग्जाम होता है सी यू टी का, कोई भी आपका लिटरेचर का सेक्शन वहाँ पे नहीं आ रहा होता, लेकिन हाँ वहाँ पे आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला जो सेक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है? मतलब इवेंचुअली आप बोर्ड्स में भी कॉम्प्रीहेंशन करते हो और सी यू टी में भी आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है। उसके बाद ग्रामर जो है वो आपकी काफ़ी हद तक सेम रहती है। सो दो चीज़ों पे आप स्लाइटली साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑल्सो योर ग्रामर, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा भी कम करोगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपका थोड़ा बेस यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। मैथमेटिक्स, अगेन मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कॉमन है, तो पहले आप कॉमन टॉपिक्स पे फोकस करो और फिर आप अपने जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स हैं, उन पे फोकस करो। साइंस में अगर मैं पीसीबी की बात करूँ तो पीसीबी में अगेन जैसे केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 6 चैप्टर्स डिलीटेड है, बाकी सब चैप्टर्स कॉमन है, तो पहले 10 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर लो। जो चैप्टर्स कॉमन है उन पर आप उनका प्रिपरेशन आप पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको हम लोग वंस यू आर डन विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन उसके बाद उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो आपको स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी कॉमन टॉपिक्स के लिए। उसके बाद डुअल प्रिपरेशन का मतलब यह है कि यार सी यू टी और क्लास 12 दोनों को ही साथ में मैनेज करना है। तो अगर मैं डुअल अप्रोच की बात करूँ तो पहली बात आपको टाइम टेबल डेफिनेटली बनाना चाहिए, बट वो टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। वो टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैं दिन में बस मतलब 12-13 घंटा पढ़ रहा हूँ लेकिन आप उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। हर बच्चे का अपना एक रूटीन होता है, लाइफस्टाइल होता है, चीज़ें होती है, प्रायोरिटीज़ होती है, लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, बट यस वो आप जितना अपने लिए इंडिविजुअल करके रखोगे उतना आप उसको फुलफिल कर पा रहे होगे, और जितना आप अपना टाइम टेबल मीटअप करोगे, मैच ऑन करोगे, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो टाइम टेबल शुड बी अ रियलिस्टिक वन जिसमें आप दोनों चीज़ों को टाइम दो, ठीक है? आई वुड से सी यू टी को अभी आप मतलब ऐसा 2:5 की रेशो दो, दो हिस्सा पूरे दिन का आप सी यू टी को दे रहे हो, 5 हिस्सा आप बोर्ड्स को दे रहे हो, दैट कुड बी अ वन थिंग। लेकिन हाँ, अगर आप केवल सी यू टी का एग्जाम दे रहे हो, आपका बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, तो आप पूरा ही दिन सी यू टी के लिए अलॉट कर सकते हो, जिसमें आप डिवाइड करो अपने टाइम को कि यार 3 सब्जेक्ट हैं तो 2-2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को देने वाला हूँ मिनिमम है ये, और 1-1 घंटा प्रैक्टिस का, मतलब 2-2 घंटे में मैं थ्योरी रिवाइज करूँगा, नोट्स बनाऊंगा, और 1-1 घंटे में मैं इसका प्रैक्टिस करूँगा। 1 घंटा मैं लैंग्वेज को और जी टी को भी दे सकता हूँ, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 8-9 घंटा मिनिमम पढ़ाई का भी होना चाहिए। और अगर आपका बोर्ड्स का एग्जाम है तो ऑब्वियसली ये जो आप 8 घंटे इसमें से आप 6 घंटा केवल बोर्ड्स के ओरिएंटेड पढ़ें और 2 घंटा आप सी यू टी ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं, जिसमें आप एम सी क्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एम सी क्यू वाला सेक्शन आपके बोर्ड्स और सी यू टी दोनों में ही आएगा, ठीक है? उसके बाद ऑब्वियसली वेटेज पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हो, और जैसे अगर आप बैचेस में होते हो तो ऑटोमेटिकली हम लोग कर ही देते हैं कि हम आपको उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं जिसमें वेटेज ज़्यादा है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उस पर ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑलरेडी वेटेज के हिसाब से हर सब्जेक्ट का जो आपको पता है कि 10% ही जो हर चैप्टर के टॉपिक्स होते हैं जो 90% पेपर में आते हैं, तो उन 10% पर आपका एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यू नीड टू क्या कहते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि केवल सी यू टी आप अलग से कर रहे हो और मतलब बोर्ड्स आप अलग से कर रहे हो, नहीं, क्योंकि यार देखो कॉमन चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है? हाँ, दोनों का जो क्वेश्चन का टाइप है वो डिफरेंट है। जैसे बोर्ड्स आर वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव, मतलब अगर आपने 10-20 पिछले साल के सवाल कर क्वेश्चन पेपर कर लिए तो आप बोर्ड्स आराम से कर लोगे, बट सी यू टी ऐसे काम नहीं करेगा। सी यू टी में आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड जो अप्रोच है वो डेवलप करनी है, आपको कंसेप्ट को सीखना है, रटना नहीं है, एम सी क्यूज़ का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीड पे काम करना है, राइट?
नेगेटिव मार्किंग पे काम करना है, बहुत सारी चीजें जिन पे आपको वर्क ऑन करना है, बट दोनों को कंबाइन कैसे करोगे जब आप दोनों के कंसेप्ट के ऊपर काम करोगे. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू विद द कंसेप्ट देन यू कैन ऑब्वियसली डू सब्जेक्टिव तो कर ही लोगे और एमसीक्यू भी सीख जाओगे. ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप केवल आपके पास बोर्ड्स और सीयूटी दोनों हैं तो बोर्ड्स के लिए आप सैम्पल पेपर्स करने स्टार्ट कर दीजिए, सीयूटी के लिए आप केवल एमसीक्यूज़ करिए. सीयूटी के एमसीक्यूज़ आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे और सीयूटी में भी हेल्प करेंगे. और अगर आप केवल सीयूटी का पेपर दे रहे हैं तो जस्ट फोकस ऑन एमसीक्यूज़. यहाँ पे 360 डिग्री सीरीज चल रही है. अगर आप बैचेस में हैं तो आपको डीपीपीज मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, पीपीटीज मिलते हैं, यू हैव योर टेस्ट सीरीज, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील बच्चों हो रहा होगा. ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सबसे इम्पॉर्टेंट है नोट मेकिंग. नोट्स अच्छे बनने चाहिए. अब अगर आप बैचेस में हो तो नोट्स आपके बनवाए जा रहे हैं, यू आर मेकिंग नोट्स. क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको बाद में रिवीजन के लिए नोट्स होने पड़ेंगे. अगर आपने केवल बस लेक्चर कहीं से देख लिया है और लिखा नहीं है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स. सो इट्स हाई टाइम अपने नोट्स को आप कंप्लीट करें और वो भी अच्छे तरीके से नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है. अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो पढ़ ही नहीं सकते हो. तो थोड़ा सा टाइम आप अपनी हेल्थ को भी दे सकते हो, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट दे सकते हो. वॉक करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए, जो भी आप कर सकते हैं करिए. क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ की दो प्रायोरिटी हैं, पढ़ाई और आपकी बॉडी. बॉडी अच्छी रहेगी तो पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई करोगे तो फिर रिजल्ट्स मिलेंगे. राइट, देन मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने बोला कि यार सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट दोनों पे काम करना है. जिनका सिलेबस हो चुका है दे कैन स्टार्ट विद मॉक टेस्ट, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है दे कैन स्टार्ट विद पार्ट टेस्ट एटलीस्ट. बट यू नीड टू स्टार्ट विद योर टेस्ट, बिकॉज विदाउट टेस्ट यू कैन नॉट सक्सीड इन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. ठीक है, और लास्ट है गाइडेंस. क्योंकि यार देखो ऑब्वियस ही बात है कि पेपर नया है और चीज़ें बहुत सारी हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि टाइम नहीं है अभी आपके पास कि आप उस चीज़ में जाएं. आपको एक हेल्प मिल जाती है एक टीचर की, एक गाइड की, जो आपको पूरा प्लान दे दे. आपको बस उसको फॉलो करना है, क्लास में आके क्लास लेनी है, नोट्स दिए हैं उसे बनाने हैं, क्वेश्चंस दिए उसको लगाने हैं, टेस्ट दिए उसको करने हैं. जस्ट यू नीड टू फॉलो द प्लान. अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये जर्नी बहुत सिंपल हो जाती है. क्योंकि अगर आप एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ, लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ वर्क ऑन करते हो तो आपकी एनर्जी भी इंटेंसिफाई होती है. यू फील मोटिवेटेड, आप डिप्रेस्ड नहीं होते हो, आप लॉस्ट फील नहीं करते हो. यू फील कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, मैं सही चीज़ें कर रहा हूँ, मैं सही लोग के साथ हूँ. देर आर पीपल हु आर हेल्पिंग मी, देर आर टीचर्स हु आर सपोर्टिंग मी, एंड यू फील मोटिवेटेड, एंड देयरफॉर आप अपने रिजल्ट के नज़दीक पहुँच रहे होते हो. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू बी इन द सेम सॉर्ट ऑफ ग्रुप, सेम सॉर्ट ऑफ पीपल, जो आपकी एनर्जी को रेजोनेट करें और उनको इंटेंसिफाई करें. एंड आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे आई थिंक वी आर डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प यू आउट ऑन दैट लेवल, कि आप लोग फील करें कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सपोर्टेड हो, आप कवर्ड हो, एंड वी आर देयर फॉर ऑल ऑफ यू. राइट, सो दैट इज इट. आई थिंक ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोग रिजल्ट मिल रहे होंगे. प्लीज़ मेक टाइम टेबल, प्लीज़ मेक नोट्स, प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड प्लीज़ स्टार्ट विद योर सैम्पल पेपर एंड योर टेस्ट सीरीज. एंड येस, इफ यू आर इन बैचेस, दीज ऑल थिंग्स वुड बी कवर्ड एंड वी विल बी देयर गाइडिंग यू ऑल थ्रू आउट योर जर्नी. राइट, सो आई थिंक आप लोग सेम पेज पे होंगे. सेशन और वीडियो से अगर कुछ अच्छी बात सीखी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके जाना. और हाँ, अगर आप चाहते हो 24/7 गाइड लेना, हेल्प लेना, हमारे साथ पढ़ना, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो. एंड आई थिंक एवरीबडी नोज बैचेस को ज्वाइन करने का तरीका है अड्डा 247 का वेबसाइट या फिर ग्रुप. आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जाके UGPG सेक्शन में आप जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस आर्ट्स कॉमर्स उसको ओपन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट बैच जो भी है उसको चेकआउट कर सकते हैं. और अदरवाइज आप महापैक आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली विदाउट बुक्स वाला गो देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है. इसमें बैच भी आएगा, जो अभी लास्ट फ्रेश बैच है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और जो आपके आने वाले बैचेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है. इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज है, इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है. तो एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो यू कैन गो फॉर महापैक. एंड इसमें डिस्काउंट के लिए आई वुड सजेस्ट यू देयर इज़ वन कोड, ऑल्दो देयर आर वेरी मच कोड्स, बट आई वुड से दिस इज़ माई कोड Y513. अगर आप Y513 कोड के साथ बैचेस में इनरोल करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको बेस्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं. राइट, सो या दिस इज महापैक. ठीक है, महापैक आपके पास 6000 रुपीज़ का है जिसमें ऑल बैचेस इंक्लूडेड हैं, एंड आपके एग्जाम के दिन या इवेंचुअली उसके बाद तक भी क्लासेस इसमें आपको मिलने वाली हैं. तो द कोड इज़ Y513. और वरना आप न्यू बैच जो अभी आपका लॉन्च हुआ है उसको भी जो है इनरोल कर सकते हैं सेम कोड के साथ. आई थिंक दैट वुड बी अराउंड 5000 रुपीज़, बस 1000 रुपये का डिफरेंस आता है.
तो अगर आप पॉसिबल है तो आप महापैक को इनरोल करना, लेकिन अगर आप एक ही बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नॉर्मल न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो विद द कोड Wi-Fi 13 फॉर योर डिस्काउंट्स। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज इंपॉर्टेंट, वॉट यू नीड टू डू, एंड माई गुड विशेज एंड योर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज देयर कि यार तुम लोग कर सकते हो, बस थोड़ा सा डायरेक्शन सही कर लो और लग जाओ। ऑल द बेस्ट।